तो दोस्तों, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती है। और आप सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो है खुद को एक कामयाब इंसान बनाने की। हेलो एवरीवन, स्टडीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। और आज डेट है February 22, 2020, डे है सैटरडे। व्हाट टू बी रेड इन द हिंदू की लिस्ट आप लोगों के लिए टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है रोज सुबह सुबह। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक हैं, वहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, उन सब लोगों के लिए है जो कि UPSC, UPPSC, RRB, IBPS, PO क्लर्क, SBI, RBI और जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं सबकी तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए आज से चालू हो रहा है डेली करंट अफेयर्स, आपको DCA मिलने वाले हैं, जहां पर वो डेली करंट अफेयर्स अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों के लिए 7 AM अपलोड हो जाएंगे। शार्प सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगे। एंड आई गारंटी, अगर आप मेरे इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कल की पहली वीडियो का रहेगा इंतजार, प्रीमियर उस वीडियो का आप लोगों के लिए आज शाम ही डल जाएगा। पहली खबर आज के द हिंदू की आप लोगों की स्क्रीन पर, पेज नंबर 1 न्यूज मिलती है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रिटेन किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिस फोर्स को 1989 के अंदर बनाया गया था, दिस फोर्स वॉज फॉर्म इन 1989, जो G7 ग्रुपिंग है उसने मिलकर बनाया था। इनिशियली इसका मेन काम यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करना था। इसने यहाँ पर 2002 के अंदर टेरर फिनेंसिंग वाले इशू को भी लिस्ट आउट कर दिया। जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो दो तरीके की लिस्ट बनाती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है यहाँ पर ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर करेंटली यहाँ पर 19 देश हैं, ब्लैक लिस्ट के अंदर 2 देश हैं। वो 2 देश हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर ईरान। ग्रे लिस्ट के अंदर हमारे आसपास पाकिस्तान है और श्रीलंका है, श्रीलंका मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में है। टेरर फाइनेंसिंग वाले केस में पाकिस्तान यहाँ पर फंसा हुआ है पिछले साल के जून 2019 से। एक्सपेक्टेशन यही थी कि पाकिस्तान को अब की बार ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, बट पाकिस्तान फिर से बच निकला। कारण है पाकिस्तान के कुछ दोस्त जैसे मलेशिया, टर्की, चाइना। पाकिस्तान को दिए गए थे 27-point एक्शन प्लान, जिन एक्शन प्लान्स को पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया, इनमें से सिर्फ 5 एक्शन प्लान को यहाँ पर पूरा किया। सितंबर 2019 की इनिशियल गाइडलाइंस दी गई थी कि यहाँ पर फंडिंग रोकी जाए, उसके ऊपर कुछ काम हुआ। नवंबर 2019 पाकिस्तान वाज जज टू हैव कंपाइल्ड ओनली विद 4 points। फिर यहाँ पर पाकिस्तान इज अमंग 12 countries, ओके गाइज, याद रखना कि 12 countries, 12 यहाँ पर देश हैं ग्रे लिस्ट के अंदर। ओके, सो देयर आर 12 कंट्रीज इन ग्रे लिस्ट अदर देन मॉनिटरिंग ज्यूरिसडिक्शन, ओके, जो कि इसके अंदर आती हैं। ब्लैक लिस्ट के अंदर मैंने आपको बता दी ये 2 देश हैं, दैट इज नॉर्थ कोरिया एज वेल एज ईरान। सो अकॉर्डिंग टू दी FATF समरी जो कि हमारे सामने आई, कि अब पाकिस्तान यहाँ पर काम करना चालू करेगा कुछ मेन 8 specific एरियाज के ऊपर, जिनके अंदर है आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो अकाउंट्स हैं उन्हें फ्रीज करना जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और यहाँ पर इफेक्टिव, प्रपोर्शनेट एंड डिसुएसिव सैंक्शंस लगाना सारे के सारे टेरर आउटफिट्स के ऊपर। पेज नंबर 5 एक और खबर मिलती है यहाँ पर, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, जो कि एक टबैको फार्मर्स का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि वो एक प्रगमेटिक अप्रोच अपनाए सिगरेट टैक्सेशन को लेकर। गाइस, ये क्या होता है ये शब्द, व्हाट इज दिस प्रगमेटिक अप्रोच? प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब होता है यहाँ पर जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, मैंने आपके लिए बॉक्स में लिखा हुआ है, वो चीज़ें जिनसे सेंसिबली डील किया जाए, रियलिस्टिक व्यू हो, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें हो, थ्योरेटिकल कंसीडरेशन ना हो। हुआ क्या है यहाँ पर, जो सिगरेट है उसको कॉस्टलियर कर दिया गया है, ओके, सिगरेट की यहाँ पर जो टैक्स है, जो GST है सिगरेट के ऊपर, वो बढ़ा दिया गया है, बिकॉज सिगरेट्स आर डीमेरिट गुड्स, ओके, जिन्हें आप लोग सिन गुड्स के नाम से भी जानते हो। बेसिकली जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर इंडियन फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया हो या बीड़ी हो, या जो सिगार फिलर्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
तो इन सबके ऊपर अब टैक्स बढ़ जाएंगे एज पर द यूनियन बजट 2020 एंड 2021। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पर फार्मर्स की, जो यहाँ पर फार्मर्स हैं, क्योंकि फार्मर्स इस गुड्स को क्यों ग्रो करते हैं, बिकॉज इट्स अ कैश क्रॉप, अच्छी खासी यहाँ पर रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है टबैको, तो फार्मर्स कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ को ग्रो करें। अब अगर यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे तो यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी और फार्मर्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसका नुकसान आएगा। इसी पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा टबैको फार्मर्स की लाइवलीहुड को और फार्म वर्कर्स को। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो इंक्रीज किया है नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी के अंदर जो सिगरेट्स के ऊपर लगती है उसको यहाँ पर विड्रॉ किया जाए और टैक्स स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, ये यहाँ पर सरकार से रिक्वेस्ट की गई। पेज नंबर 5 खबर मिलती है, न्यू सोलर एनर्जी पार्क टू कम अप इन राजस्थान से जैसलमेर। यहाँ पर एक नया 925 मेगावाट का सोलर एनर्जी पार्क यहाँ पर बहुत ही जल्द राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, नोख नाम की जगह है वहाँ पर आएगा। सो ये अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके साथ साथ ओडिशा ऑफर्स फ्री स्पेस टू बैंक्स फॉर ब्रांचेस। नाउ ये जो आर्टिकल है इसका इस्तेमाल आप लोग GS पेपर नंबर 3 के अंदर करोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंक्लूड करोगे, क्योंकि ओडिशा सरकार ने क्या किया है, भारत निर्माण गांधी सेवा केंद्र के यहाँ पर कुछ जो स्पेस है उसके अंदर जो जगह है उनको बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस को देने का यहाँ पर फैसला किया है, जिससे बैंकिंग सर्विसेज और यहाँ पर जो वेजेस होती हैं MGNREGA के अंदर वो इजीली लोगों तक पहुँच सके। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है वो बहुत सारी विलेजेस में पहुँच ही नहीं पाता, बिकॉज उन विलेजेस में बैंक्स ही नहीं है, और जब बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोलने जाते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ज़मीन की। तो यहाँ पर उस ज़मीन की प्रॉब्लम को ओडिशा सरकार ने खुद सॉल्व करने का फैसला लिया है। देखो कोई भी गाँव हो उसमें कम से कम सरकारी कोई ना कोई ऑफिस तो होता ही है, जो इंटीरियर पॉकेट्स होते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपनी वेजेस को बाहर निकालने के लिए, इस वजह से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें आपको ये वाला पॉइंट अपने GS पेपर नंबर 3 के लिए इंक्लूड करना था। सिमिलरली इन द पेज नंबर 9 यहाँ पर जैसे हम लोगों ने CDS का पद स्थापित किया, जनरल बिपिन रावत हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, वो हेड भी हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर थल सेना भवन का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको लेट डाउन किया दिल्ली कंटेनमेंट के अंदर। यहाँ पर जो बहुत सारे पॉकेट्स हैं आर्मी हेडक्वार्टर के अलग अलग दिल्ली के अंदर उनको एक ही जगह लेकर आएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो रही है कि हम लोग जो आर्मी हैं उनको एक ही पर्टिकुलर रूफ के अंदर लेकर आ जाएं। मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, पेज नंबर 10 जो एडिटोरियल है, फॉर्जिंग अ न्यू इंडिया US मॉडस वेवेंडी। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात हुई और ये जो शब्द है जिसको बोलते हैं मॉडस वेवेंडी, इसका मतलब होता है मूड ऑफ लिविंग, मतलब किस तरीके से जो रिलेशन है इंडिया और US के बीच में चेंज हुई है। आप यहाँ पर थोड़े से इरिटेटेड डोनाल्ड ट्रंप को भी देख सकते हो। US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया विजिट यहाँ पर उनकी आइडियोसिंक्रियासिस को भी दर्शाती है। आइडियोसिंक्रियासिस मतलब एक वो पोजीशन जहाँ पे कोई पर्सन एक अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, उसके थोड़े अलग वेज हैं डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के, और मेन मुद्दा क्या रहता है, अमेरिका फर्स्ट का मुद्दा कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑल दो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें सफ़र अप करी हैं, चाहे वो GSP को लेकर हो या डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस हटने की वजह से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को लेकर हो, बट फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी ग्रेट आउटकम ऑफ दिस ग्रेट मीटिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो कोई भी व्यक्ति होता है उसके साथ एसिमेट्रिक पार्टनरशिप होती है, एक तरीके से एक जैसी यहाँ पर चीज़ें नहीं चल सकती। सुपर पावर्स के साथ अगर पार्टनरशिप देखें तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, और भी ज़्यादा मुश्किलें में होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, लाइफ के अंदर, तो हमेशा एक अनइक्वल रिलेशनशिप रहती है। और जब भी एक बड़े देश और छोटे देश के बीच में एक अनइक्वल रिलेशनशिप होती है तो कहीं ना कहीं जो छोटा देश होता है वो अपनी डिग्निटी अपनी ऑटोनॉमी खो देता है। आज जो इंडिया और जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो एक आयरन कर्टेन है,
जिसने यहाँ पर पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। जो शब्द है आयरन कर्डेन, इसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर वाले समय पे किया जाता था। बिना यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, कहीं ना कहीं वो चाइना का ट्रिब्यूटरी सिस्टम बन जाएगा। ये एक बड़ा कारण है कि इंडिया खुद भी चाहता है कि यूएस इस सिस्टम का पार्ट बना रहे, जिससे यहां पर चाइना अपनी ऑटोनॉमी, अपने रूल्स को इतनी ज्यादा तरीके से ना चला पाए। न्यू दिल्ली का केस देखें तो हिस्ट्री में यूएस की जो प्रेजेंस है वो एक नेगेटिव सेंस में रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर हो या चाइनीज ह्यूमिलेशन को लेकर हो या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर हो। और आपने पोखरण वाली मूवी में भी देखा था कि उस समय यूएस का बिहेवियर कैसा था। फॉरेन पॉलिसी हमारी प्रो यूएस टिल्ट कब हुई? 2008 के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बड़ा जेस्चर दिखाया ये कहके हुए कि इंडिया के लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को बहुत प्यार करते हैं। न्यू दिल्ली का जो जियोस्टैटिक आउटलुक है उसको समराइज अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग बात करें जो 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है सोवियत यूनियन के साथ, वो एक रिस्पॉन्स था कि यूएस ने अपने आप को पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं चाइना की ग्रोथ की वजह से यहां पर यूएस इंडिया की तरफ भी टिल्ट होता हुआ नजर आया है। फिर अगर हम लोग बायलेटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करें, पिछले 3 साल में एक बेहतर डिसीजन की तरफ आगे बढ़ी है। चाहे यूएस ने हमको कुछ प्रिविलेज कैटेगरी में रखा था शुरू में, नॉन नाटो यूएस अलाइव घोषित किया, 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हुई। ओके, यूएस ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ईरान वाला इशू भी था, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने लगी, एज वेल एज गाइस क्वाड ग्रुपिंग को आप लोग नहीं भूल सकते, उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया और साउथ एशिया के साथ यहाँ पर यूएस मेरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, और यूएस ने हमारे साथ जसोमिया साइन किया, लमाओ साइन किया, कोमकासा साइन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यूएस और इंडिया के दरमियान हमें बढ़ती हुई नजर आई। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल गाइस, ये आर्टिकल लिटमस टेस्ट के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट था February 13, 2020 का, एक फार रीचिंग प्रोसेस था। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स के अंदर उसको क्लीन करने का, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक यहाँ पर जिम्मेदारी देने का कि वो ऐसे पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को फील्ड करें जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। जजमेंट कोर्ट के पुराने ऑर्डर जो 2002-2003 में आए थे, बिल्कुल उनकी ही तर्ज पे था, जब यहाँ पर बात की गई थी कि सारे कैंडिडेट्स अपनी सेल्फ सॉन एफिडेविट्स ऑफ क्रिमिनल केस यहाँ पर सामने रखेंगे। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है किसी कैंडिडेट का, आपको उन्हें पब्लिसाइज करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि आपने इस कैंडिडेट को चुना है, और यहाँ पर चुनने का आपको रीज़न बताना पड़ेगा। और आप एक रीज़न नहीं दे सकते जिसे बोलते हैं विनेबिलिटी, कि इसके जीतने के चांस है तो हम लोगों ने इसे चुन लिया। आज की डेट में मनी और मसल पावर पॉलिटिकल सिस्टम का आप कह सकते हो बैकबोन बन गए, और मनी पावर तो एक प्लूटोक्रेसी के अंदर ही घुस गया है, मतलब एक यूनिडायरेक्शनली वो एंटर हुआ है। ये दोनों ही चीजें यहां पर दे आर प्रेफरेबली विद इन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ, और पार्लियामेंट के अंदर जो क्रिमिनलिटी है वो भी 24% ही 2004 में, 30% हुई 2009 में, 34 हुई 2014 में, और 43 हो गई है 2019 में। खासकर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर हीनियस क्राइम्स के यहां पर केसेस हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप एंड किडनैपिंग। तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। पहले एक डॉन वाला आप कह सकते हो, जो डॉन वगैरह होते थे उन्हें चुना जाता था, अब यहाँ पे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, वन वे स्ट्रीट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफरिंग मनी एंड गुड्स, वोटर बिहेवियर भी यहाँ पर चेंज होना चालू हो गया। वोटर्स अब यहाँ पर डिमांड करते हैं पैसों की, फ्रीबीज की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कहीं ना कहीं कॉल्ड आउट हो गया, लोकल डॉन कहीं ना कहीं कम हुए। ओके, ये अगर आप देखोगे, और रॉबिन हुड कंटेस्टेंट बढ़ते हुए नजर आए, बट फिर भी मसल और मनी पावर को अभी तक अच्छी तरीके से रूरल लैंडस्केप के अंदर क्लीन अप नहीं किया गया। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन सुनाया है, इसका एक अच्छा रिजल्ट ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 13 पे हमें मिलता है साइंटिस्ट अपोज स्टडी इनटू क्वालिटीज ऑफ इंडिजीनियस काउस। तो यहाँ पर सूत्रापिक के बारे में खबर आई है। सूत्रापिक एक नई स्कीम है, नाम है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन
through research augmentation, prime products from indigenous cows. Collaborative effort है Department of Biotech का, CSIR का, Ministry of Ayush का. यहाँ पर जो department है SEED का, Science for Equity Empowerment and Development under Ministry of Science and Technology, वो इंचार्ज है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की. जो सीड है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो इनिशिएट करेगी नेशनल प्रोग्राम ऑन साइंटिफिक वेजिटेशन एंड रिसर्च ऑफ पंचगव्य. ओके, 2017 में इसको किया था. अभी जो नया प्रोग्राम है इसके अंदर इंडिजीनियस काउस के ऊपर रिसर्च की जाएगी, 5 इंपॉर्टेंट थीम को लेकर. यूनिकनेस क्या है यहाँ पर, मेडिकल और हेल्थ में कैसे यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ हो सकता है, फूड एंड न्यूट्रिशन में कैसे यूज़ हो सकता है, काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स में कैसे यूज़ हो सकता है. और मेन मकसद ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हम लोग करेक्टराइज कर सकें और उनकी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज को देख सकें और उनके लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकें हमारे देश में. मूविंग ऑन, US और तालिबान एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं 29 February को. मुझे पर्सनली उम्मीद है कि एग्रीमेंट साइन नहीं होगा. गोल्ड के रेट जंप करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी में. तो हमें गोल्ड का एक सोनभद्र के अंदर बड़ा प्लांट भी मिल गया है जिसने विकिपीडिया पे इंडिया को सेकंड पोजीशन पे रख दिया है गोल्ड रिजर्व्स में. ओके, तो गोल्ड के जो रेट है वो 1% से बढ़े हैं. कारण यहाँ पर वायरस, कारण है यहाँ पर कोरोना वायरस, बहुत सारा यहाँ पर इंपैक्ट होता हुआ नजर आया. साथ ही पेज नंबर 15, UBI OBC वांट अ न्यू नेम ऑफ मर्जर एंटिटी. आपको याद होगा पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया. OBC और UBI छोटे बैंक है तो नया नाम PNB के नाम पे यहाँ पर रखा गया. बट यहाँ पर ये दोनों ही बैंक OBC और UBI ने मना कर दिया है कि हमको चाहिए एक नया नाम, हम लोग PNB के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे. कहीं ना कहीं ये पुराने जो हम लोगों ने मर्जर किए हैं उस तरीके से थोड़ा अलग है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक जब एक साथ सम्मिलित हुए तो यहाँ पर विजया बैंक और देना बैंक ट्रांसफर ही बैंक बने और बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रांसफर बैंक बना. तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आई. अब देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है, क्योंकि OBC और UBI ने तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दी है. पेज नंबर 15, ट्रीटिंग मेडिकल डिवाइसेज ऑन पार विद ड्रग्स विल रेज कॉस्ट. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं उनको ड्रग्स के रूप में ही देखा जाएगा अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फ्रॉम अप्रैल 2020. उस वजह से जो मेडिकल डिवाइस है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये कहना है रेटिंग एजेंसी एकरा का. कल भी मैंने आपको बताया था कि रेटिंग एजेंसी एकरा ने हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो रेटिंग है उसको डिग्रेड कर दिया है, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है. नोटिफिकेशन इमिडिएटली इंडिकेट नहीं करता किसी भी तरीके की प्राइस कैप, पर यहाँ पर प्राइस कैप भी आ सकती है और इसकी वजह से हाइयर इनपुट कॉस्ट लग सकते हैं. ओके, तो इसलिए इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि मेडिकल डिवाइसेस के यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं. तो आज आपके लिए बस इतनी खबरें थी. कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना. कल सुबह 7 बजे, याद रखना कल सुबह 7 AM शार्प आप लोगों के लिए मेरी DCA सीरीज चालू हो जाएगी, जिसके अंदर आपके साथ डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में ली जाएंगे. So love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead. Bye-bye. Take care.